हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, रोज की तरह मैं बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। आप सभी भी रेडी हो जाइए अपना स्कोर चेक करने के लिए एंड सभी क्वेश्चनों को हल करने के लिए। 50 क्वेश्चनों का सीरीज है दोस्तों। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPTET हो, UPLT ग्रेड हो, MPTET हो, MP SuperTET हो, चाहे अदर स्टेट के TJT PGT KBS NBS UGC NET एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन सभी से रिलेटेड मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन, चैप्टर वाइज MCQs, वन आइलर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन, सभी चीज़ें आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मैं डेली बेसिस पर आपको 8 से 9 हज़ार क्वेश्चन का रिवीजन करा रही हूँ दोस्तों, जिसमें से ये आपका 72वां वीडियो है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं समय नष्ट न करते हुए आज के सेशन में। दोस्तों, MP मुख्य परीक्षा, जिसने भी MPTET पास कर लिया है उसका एग्जाम जल्द ही होगा, इसलिए आप लोग प्रिपरेशन करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि खेलों के विरेचन यानी कैथलेटिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है दोस्तों? रेचन विरेचन धारा के प्रतिपादक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और सारे खेल सिद्धांत हैं, सभी खेल सिद्धांतों को जानने के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिए। जैसे कि दोस्तों, सरपल्स एनर्जी थ्योरी यानी अतिरिक्त शक्ति या अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत दिया है हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने। एक होता है भविष्यदर्शी यानी पूर्वानुमानित या पूर्वाभ्यास, इसको एंटीसिपेटरी थ्योरी कहते हैं, जिसका प्रवर्तक है कार्ल ग्रूस। एंड एक है मनोरंजनात्मक धारा रिक्रिएशनल थ्योरी, जिसको लॉर्ड केम तथा W पैट्रिक ने दिया है। एंड एक है पुनः अवलोकन या पुनर्कथन या पुनरावृत्ति, जिसे रिकैपिचुलेटरी थ्योरी कहते हैं, जिसके प्रतिपादक हैं स्टेनली हाल। एंड दोस्तों, मनोविश्लेषण धारा साइको एनालिटिक थ्योरी के प्रतिपादक हैं, प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। एंड रेचन विरेचन अरस्तु, सामाजिक धारा सोशल थ्योरी अरस्तु, खेल ही जीवन है धारा यानी प्ले लाइफ थ्योरी जॉन डेवी, निसर्ग अनुष्ठान धारा रूसो, संज्ञानात्मक धारा जीन पियाजे, अहम विस्तारण धारा लैंड, सहज प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी मैकडूगल। ये सभी हैं आपके खेल के सिद्धांत, सैद्धांतिक धारणाएं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा हम मूल्य यानी वैल्यूज, विश्वास यानी बिलीव्स, और व्यवहार यानी बिहेवियर के नमूने अर्जित यानी एक्वायर करते हैं? तो किसके द्वारा दोस्तों? इसको हम सांस्कृतिक संचरण यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो हमारे मूल्य व्यवहार विश्वास जाते हैं उससे ही हम अर्जित करते हैं, कल्चरल ट्रांसमिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम की ट्रंक लाइन निम्नांकित में से किसे कहते हैं? तो दोस्तों, नर्वस सिस्टम की ट्रंक लाइन मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड को बोला जाता है। जैसा कि मेरुरज्जु जो स्पाइनल कार्ड है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर आपने दे दिया होगा, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा फर्स्ट मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, तो पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन में मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा एंड सेरिबेलम आता है, जिसमें से हमारे गति को नियंत्रित करता है सेरिबेलम, जिसे हम दूसरा महत्वपूर्ण भाग भी, छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा क्या करता है? उन जैविक कार्यों यानी कि वाइटल फंक्शंस को नियंत्रित करता है जिन पर हमारी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जैसे कि पाचन तंत्र, आंत के क्रमानुकुंचन गति, रक्त प्रवेश संचरण तंत्र यानी ब्लड प्रेशर, हृदय धड़कन, हार्ट बीट, श्वसन क्रिया आदि सभी को नियंत्रित करता है। सभी का नियंत्रण केंद्र कहाँ है?
मेडुला अबलांगेटा, जैसा कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी ऐंठन का कारण है। तो दोस्तों, पेशी ऐंठन से ही थकान होती है, तो थकान का कारण है, पेशी ऐंठन का कारण है लैक्टिक अम्ल का संचय, एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट दोस्तों, न्यूटन का दूसरा गति का नियम निम्नलिखित भी कहलाता है। तो न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए हैं, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो दूसरा नियम क्या कहलाता है? त्वरण का नियम। दूसरा नियम क्या कहलाता है? त्वरण का नियम। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य पार्श्विक गति मेडियोलेटरल मूवमेंट को निम्नलिखित भी कहते हैं, यानी कि मध्य शरीर के मध्य की ओर गति, यानी शरीर की ओर गति। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा एब्डक्शन। एब्डक्शन क्या होता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, एब्डक्शन नहीं होगा दोस्तों, मध्य पार्श्विक गति। यहाँ पे तो यानी कि शरीर के मध्य रेखा की ओर गति, जैसे कि एब्डक्शन जो होता है वह शरीर से दूर जाता है, कंधे को हम ऐसे उठाते हैं, कंधे के लेवल का लेवल तक हाथ को उठाते हैं, वो एब्डक्शन होता है। फिर कंधों को पुनः अपने शरीर की ओर लाते हैं, मध्य रेखा की ओर, वो होता है एडक्शन। तो यहाँ पे एब्डक्शन ना होकर के यहाँ पे होना चाहिए एडक्शन। क्या होना चाहिए? एडक्शन, क्योंकि यह मध्य रेखा की तरफ आता है। लेकिन इसका मेडियोलेटरल बोला है, पार्श्विक, इसका शाब्दिक अर्थ सही से समझना होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको मैं अच्छे से ऑब्जर्व करके बताऊंगी, आप लोग भी बताइए इसका क्या होगा। नेक्स्ट है कब्जता, यानी कि कुबड़, यानी काइफोसिस। किसमें? किस क्षेत्र की कशेरुका यानी स्तंभ, यानी वर्टिब्रल कॉलम की विकृति है? तो वर्टिब्रल कॉलम की वक्षीय क्षेत्र, थोरेसिक जोन की यह विकृति है, जो पीछे का वक्षीय क्षेत्र होता है वह गोलाकार हो जाता है, गोलाकार रूप में उठ जाता है, उसी को कुबड़ या गोल कमर या काइफोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एफिलरेज शब्द इससे संबंधित है। तो एफिलरेज शब्द जो है वह मसाज से, मसाजिंग से संबंधित है। तो दोस्तों, मसाज जो है, मसाज को फ्रेंच शब्द फ्रिक्शन से लिया गया है या नीडिंग से लिया गया है, जिसका अर्थ है गुथते हुए घर्षण करना। एक हस्त कौशल विधि है। मसाज चार प्रकार के हैं, स्ट्रोकिंग यानी कि सहलाना, प्रेशर यानी दबाना, परक्यूजन यानी थपथपाना, शेकिंग यानी कि मिलाना। इन चारों के बारे में आपको जानना है तो मसाज वाले वीडियो को देखिए, जिसको भी मसाज में कोई दिक्कत होगा, एक ही वीडियो के अंदर मैंने इस ट्रिक से बताया है कि कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का नियम, लॉ ऑफ लर्निंग, कौन सा नहीं है इसमें? तो दोस्तों, आसानी से आप छाट लेंगे, तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट, एंड व्यायाम का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये तीनों व्यायाम के, लर्निंग के नियम हैं, बट प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। नेक्स्ट है, इस लर्निंग के नियम को दिया था, तीनों नियम को, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, दल के साथियों के बीच अंतः वैयक्तिक संघर्ष सामान्यतः किसके अभाव के कारण होते हैं? तो दोस्तों, दल के साथियों के बीच सद्भावना का अभाव रहेगा तो भी होगा, कौशल का स्तर सही नहीं रहेगा तो भी होगा, कोशिश नहीं रहेगा तो भी होगा। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका राइट है, दो दल के दो साथियों के बीच अंतः वैयक्तिक संघर्ष के कारण है ये सब। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्रियों यानी इकोनॉमिस्ट्स
का आजकल खेलों की ओर आकर्षित होने का क्या कारण है? तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सब जुड़ा है, तो यहाँ भी खेलों का उद्योगों का विकास, खेल उद्योगों का विकास हो रहा है, जिससे अर्थशास्त्रियों का आजकल खेलों की ओर आकर्षित होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण भारत में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण भारत में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मद्रास, चेन्नई के मद्रास में सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना SC बक ने 1920 में किया। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रारंभिक विद्यालय पाठ्यचर्या यानी क्यूरिकुलम को निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए, तो किस पे बल देना चाहिए? तो इसमें उसकी गतिविधि शिक्षा अथवा संचरण शिक्षा पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनोदैहिक यानी साइकोसोमैटिक विकृति निम्नलिखित है? तो दोस्तों, मनोदैहिक यानी साइकोसोमैटिक रोग यानी विकृति माना जाता है अस्थमा को, जिसे दमा भी बोला जाता है, अस्थमा यानी दमा को। अस्थमा यानी कि दमा एक एलर्जी जनित रोग है, जिसमें श्वसनी नलिकाएं का बार बार प्रवेगी संकुचन होता है तथा रोगी को निःश्वसनी कष्ट श्वास होता रहता है, कष्टपूर्वक श्वास होता रहता है। एलर्जी एक प्रकार का संवेदनशीलता का गुण है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के शरीर के जीवित कोशिका अथवा ऊतक एलर्जिक वस्तु या परिस्थिति के उपस्थित होने पर अधिक सक्रिय रूप से प्रक्रिया करने लगते हैं। इनके मनोवैज्ञानिक तनाव कारण भी हो सकते हैं, जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उत्प्रेरण कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से अस्थमा को साइकोसोमैटिक या मनोदैहिक रोग की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में 1 ग्राम वसा के दहन से कितनी ऊर्जा उपलब्ध होती है? दोस्तों, आप सबको पता है कि 1 ग्राम वसा के दहन से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से 4.1 एंड 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से भी 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भार के विशिष्टता यानी स्पेसिफिसिटी के सिद्धांतों के अनुसार साइकिल चालक को क्या करना चाहिए? तो उसको साइकिल चालक को प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण लेना चाहिए, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण लेना चाहिए। नेक्स्ट है, विवरणात्मक अध्ययन निम्नलिखित की व्याख्या एवं निर्वचन करता है? तो यह करता है, वह क्या होगा। नेक्स्ट है, केस स्टडी को निम्नलिखित समाविष्ट नहीं करता, तो क्या इसमें केस स्टडी में क्या समाविष्ट नहीं होता? इसमें अवलोकन यानी कि ओवरव्यू या ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनेयर शामिल होता है, बट मापन यानी मेजरमेंट इसमें शामिल नहीं होता है केस स्टडी में। नेक्स्ट है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन का वर्ग है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रसरण यानी कि रेंज, प्रसरण यानी कि रेंज जो होता है। नेक्स्ट है, स्टेडियोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आप सबको पता है, स्टेडियोमीटर का प्रयोग लंबाई यानी कि लेंथ मेजर करने के लिए, लंबाई या ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
एंड फ्लेक्सिबिलिटी को गोनियोमीटर से मापन किया जाता है। नेक्स्ट है कि यदि टी का परिकल्पित मूल्य कैलकुलेट वैल्यू एंड सरणी मूल्य टेबल वैल्यू के बराबर है तो निष्कर्ष क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है अंतर असार्थक है, यानी नॉन सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है खेल प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की श्रेष्ठ पद्धति है। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन की श्रेष्ठ पद्धति डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक है। नेक्स्ट है अंतरंग खेलों यानी इंट्राम्यूरल्स के जरिए के लिए विभाजन किस आधार पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट इंट्राम्यूरल क्या होता है, स्कूल भवन के अंदर यानी कि चार दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिताएँ होती है उनको इंट्राम्यूरल कहते हैं, एंड एक संस्था से दूसरे संस्था के बीच जो प्रतियोगिताएँ होती हैं उनको एक्स्ट्राम्यूरल कहते हैं। तो अंतरंग खेलों इंट्राम्यूरल्स के लिए विभाजन किस आधार पर होता है, तो अंतर विद्यालय यानी कि इंटर स्कूल के माध्यम से होता है। कन्फ्यूजन है इसमें भी, आप देख लीजिएगा एक बार इसको। नेक्स्ट है खेलों में मनोभावों के प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो खेलों में मनोभावों के प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा घ, दमन यानी कि सुप्रेशन। इसमें करते क्या हैं कि मांसपेशियों को तनाव यानी खींचते हैं, उसके बाद शांत अवस्था में आ जाते हैं, जिससे जो मानसिक दबाव होता है, चिंता होता है, वो थोड़ा कंट्रोल में होता है। तो इसी को कहते हैं दमन या सुप्रेशन। नेक्स्ट है आपको मिलान करना है सूची एक से सूची टू में। सूची एक में ए है दोस्तों यथार्थवाद यानी रियलिज्म के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, दर्शन शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। यथार्थवाद यानी रियलिज्म से के प्रवर्तक हैं अरस्तु, कौन है अरस्तु। एंड बी है तथ्यात्मकता यानी कि प्रैग्मेटिज्म यानी व्यवहारवाद यानी प्रयोगवाद उपयोगितावाद, कई नामों से इसको जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो इसके प्रवर्तक है जॉन डीवी, ठीक है। आदर्शवाद आइडियोलॉजी में जो है वह प्लेटो इसके प्रवर्तक है। प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म जो है इसके प्रवर्तक है रूसो, यानी कि ए का एक, बी का टू, सी का थ्री और डी का फोर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी ख आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिर आपको मिलान करना है इस क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पे क है न्यूरॉन। तो दोस्तों न्यूरॉन जो है ये नर्वस सिस्टम की न्यूनतम इकाई होती है, न्यूरॉन से बनकर ही नर्वस सिस्टम बना रहता है, ये नर्वस सिस्टम का भाग है, ठीक है, रासायनिक तंत्र या नर्वस सिस्टम का भाग है। नेक्स्ट है एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसे डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं या श्वसन तंत्र का भाग है। तो ख का थ्री हो जाएगा, ठीक है, ए का फोर हो जाएगा, ख का थ्री हो जाएगा। एंड नेफ्रॉन जो है यह यूरिन तंत्र यानी इसके जो किडनी होती है उसकी कार्यात्मक इकाई होती है, यानी कि यह मूत्रीय तंत्र आपका राइट हो जाएगा, यूरिनी तंत्र हो जाएगा, यूरिनी सिस्टम ग का टू हो जाएगा। एंड विलाय यानी अंकुर जो हमारी छोटी आंत में छोटी छोटी दीवारों की तरह अंकुरण की तरह दीवारें होती हैं जिसे विलाय कहते हैं, जिसे भोजन का पाचक रसों का अवशोषण करके रक्त के द्वारा शरीर में भेजा जाता है, वो होता है पाचन तंत्र से रिलेटेड। ये कहाँ पाया जाता है विलाय, छोटी आंत में, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाना सीखिए, ठीक है, राइट हो जाएगा आपका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक से दो को फिर से मिलान करना है। यहाँ पे क दिया है ग्लूकोज।
ग्लूकोज को हम रक्त शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त शर्करा भी बोलते हैं, यानी क का थ्री हो जाएगा, क का थ्री हो जाएगा। हीमोग्लोबिन दोस्तों आरबीसी में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन का संवहन करता है, ठीक है, तो ख का फोर हो जाएगा। एंड डायफ्राम क्या है? अंत श्वसन की पेशी है, ठीक है, जो हमारा फेफड़ा होता है, जो फेफड़ा होता है वह डायफ्राम पे ही सदा होता है, तो ग का आप राइट हो जाएगा एक, अंत श्वसन की पेशी। हृदय, हृदय हृदय से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, यहां पे राइट हो जाएगा ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां भी आपको मिलान करना है। और है दोस्तों ज्वाइंट मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, कोर संधि यानी हिंज ज्वाइंट। जैसा कि हमने बताया कई बार कि जैसे दरवाजा एक तरफ घूमता है, उसी तरह हिंज ज्वाइंट में एक तल में गति होती है, यानी एक तरफ ही घूम सकता है, जिसमें हमका हमारा कोणी संधि यानी कि एल्बो ज्वाइंट एंड घुटने की संधि यानी कि नी ज्वाइंट एंड उंगलियों का जोड़ आता है। तो हिंज ज्वाइंट यानी कोर संधि का हो जाएगा पांचवा, यानी कि पांचवा यानी कि कोहनी संधि यानी कि एल्बो ज्वाइंट। तो ए का फाइव किसमें दिया है? क में दिया है, ठीक है। उसके बाद दिया है धुराग्र संधि यानी पीवट ज्वाइंट, जो एक अक्ष पर चारों तरफ घूमे, तो वो होता है एक्सिस पर, हमारा जो खोपड़ी होता है एटलस हड्डी पर एक्सिस पर घूमता है। तो गर्दन ग्रीवा नेक ज्वाइंट आपका इसका राइट हो जाएगा, ग्रीवा संधि जिसे पीवट ज्वाइंट भी कहते हैं, धुराग्र संधि पीवट ज्वाइंट, ठीक है, बी का फोर हो जाएगा, बी का फोर। एंड सी है बालन साकेट ज्वाइंट, जिसे कंदुक खलिका संधि भी कहते हैं, बालन साकेट ज्वाइंट जो चारों तरफ चारों दिशा में गति 180 डिग्री घूम सकता है। तो यह होता है आपका हिप ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट। तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा सी का वन, स्कंद संधि यानी कि शोल्डर ज्वाइंट, सी का वन, ठीक है। डी है सर्पल संधि ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये क्या होता है? एक हड्डी दूसरे हड्डी पर फिसलता है, फिसलने वाली सर्पण गति भी इसको भी कहते हैं। इसमें आपका कलाई की जो ज्वाइंट होती हैं स्टारसस ज्वाइंट एंड जो टखने की ज्वाइंट कार्पस, कलाई की ज्वाइंट जो होता है कार्पस और जो टखने की ज्वाइंट होता है टारसस, कार्पस और टारसस ज्वाइंट इसमें आते हैं, लेकिन नहीं दिया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे मणिबंध संधि यानी रिस्ट ज्वाइंट, जबकि अलग से जब रिस्ट ज्वाइंट दिया रहेगा कॉन्डिलाइट ज्वाइंट के अंतर्गत आता है रिस्ट ज्वाइंट, जिसमें दोनों प्रकार की गति होती है, दो तल में गति होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे आपको मिलान करना है दोस्तों, खेलों के शब्दावलियों से रिलेटेड है। यहाँ पे तीसवा क्वेश्चन आपका खेलों की शब्दावलियों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखेंगे ए है थ्री सेकेंड, थ्री सेकेंड रूल किसमें है दोस्तों? आप सबको पता है ये बास्केटबॉल में है, यानी ए का थ्री हो जाएगा। एंड थ्रो इन शब्द किसमें है दोस्तों? फुटबॉल में है, बी का वन हो जाएगा। एंड दोस्तों रोलिंग शब्द ट्यूशन होता है हॉकी में, सी का टू हो जाएगा। एंड सर्विस जो होता है वह बैडमिंटन में, डी का फोर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे राइट है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको सूची एक से दो से मिलान करना है। यहाँ पे ए दिया है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, एक आपका व्यवहार से रिलेटेड है, व्यवहार आपका राइट हो जाएगा, तो ए का फाइव हो जाएगा, ठीक है। एंड दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी जो होता है वह फिलोस दन सोफिया से मिलकर बना होता है, फिलोस मतलब ज्ञान, सोफिया मतलब प्रेम, यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम, ठीक है। यहाँ पे विवेक के प्रति प्रेम आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, बी का फोर। एंड सी है समाज शास्त्र सोशियोलॉजी, जो सामाजिक परंपराएं इसमें आती हैं, सी का वन। एंड आदर्शवाद आइडियोलॉजी के प्रवर्तक हैं प्लेटो, तो डी का थ्री। इस प्रकार घ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची एक का दो से फिर से मिलान करना है।
11 से 14 वर्षों की आयु को हम क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा 11 से 14 वर्षों की आयु के हम क्या कहते हैं? यौना आरंभ, ठीक है, यौना आरंभ, प्री एडोलेसेंस, या इसको प्यूबर्टी भी बोलते हैं, प्री एडोलेसेंस या प्यूबर्टी। एंड वी है वर्ष मास और दिनों में इस गणना करने को, आयु ज्ञात करने को कहते हैं कालक्रमिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज। एंड जानते हैं दोस्तों प्राग्मेटिज्म यानी तथ्यात्मकता या व्यवहारवाद या प्रयोगवाद या उपयोगितावाद के प्रवर्तक हैं। तो सीका वन हो जाएगा, सीका वन हो जाएगा। एंड आठ से, जीरो से आठ वर्ष की आयु बचपन यानी कि चाइल्डहुड कहा जाएगा, तो डीकार्ट टू हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको मिलान करना है, फिर से आपको ए से टू में मिलान करना है। यहाँ पे है दोस्तों, सबसे पहले जो आ रहा है आपको उसको मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सॉन अक्ष तंतु यानी एक्सॉन क्या होता है, जैसा कि आपने नर्वस सिस्टम में अच्छे से पढ़ा होगा, तो जो एक्सॉन है यह नर्व फाइबर है। क्या है? नर्व फाइबर है। जो हमने न्यूरॉन पढ़ा है, न्यूरॉन की संरचना आपने देखा होगा, उसमें एक डेंड्राइट होता है, एक एक्सॉन होता है। डेंड्राइट जो छोटे छोटे कई भागों में बटा होता है, वो न्यूरॉन प्राप्त करता होता है। न्यूरॉन जो डेंड्राइट होता है, वो मतलब अन्य न्यूरॉन से संदेश को प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर ले जाता है, और सेल बॉडी से सूचनाओं को एक्सॉन का करता है ले करके दूसरे न्यूरॉन की तरफ या अन्य पेशियों की तरफ भेजता है, ठीक है। तो ये होता है आपका नर्व फाइबर। एंड बी है आपका ए का फोर, ए का फोर किसमें दिया है? घ में। एंड बी है आपका अवातजीवी यानी अनाक्सीय, मतलब एनएरोबिक की बात कर रहा हूँ, अनाक्सीय मतलब बिना ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। बी का वन हो जाएगा, ठीक है, बी का वन। एंड सी है उत्तेजन यानी एक्सीटेशन, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा टू, उद्दीपन स्टिमुलेंस के प्रति, ठीक है। उत्तेजना किसके प्रति होता है? स्टिमुलेंस के प्रति। डी है ग्लूकोज, ग्लूकोज को शर्करा यानी शुगर भी बोला जाता है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको सूची वन से टू मिलान करना है। तो दोस्तों यहां पे आप देखेंगे जो आ रहा है आपको पहले उसको मिलाइए। यहाँ पे बायोप्सी है, जैसे कि बार बार कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है बायोप्सी, जो है पेशी तंतु के प्रकारों का पता लगाता है, पेशी तंतु के प्रारूपों का निर्धारण करता है। कौन? बायोप्सी, बायोप्सी के द्वारा पता लगाया जाता है पेशी तंतु के प्रकार का। एंड प्राणधार क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी जो है स्पायरोमीटर से मापा जाता है, श्वसन मापी से, ठीक है। तो डी का वन, ठीक है, यानी सी का टू कहाँ पे दिया हुआ है? सी का टू एंड डी का वन, ये है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और जो दो ऑप्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर, ये लचकता की माप करता है, एंड लंबर कॉनकेटियो लार्गोसिस की बात कर रहा है, तो ये दो गलत छप गए हैं। इसके लिए इसका यहाँ पे जो सूची वन में है, टू है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। ये दो आप मिला लीजिए, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी गलत क्वेश्चन छप गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन का टू से फिर से मिलान करना है। चपटा पांव फ्लैट फुट, तो दोस्तों फ्लैट फुट जो पांव जो है, जो तलवा होता है चपटा हो जाता है, कोई उसमें कर्व नहीं रहता है, उसको फ्लैट फुट बोलते हैं, प्लेस पैनस बोलते हैं। इसको जो है मापा जाता है पैडोग्राफ से, किससे? पैडोग्राफ से, यानी कि फोर राइट होगा, ए का फोर आपका राइट होगा। एंड बी है क्रॉस बीवर परीक्षण, यह मिनिमम मस्कुलर फिटनेस को मापता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फोर, फाइव
यानी कि न्यूनतम पेशीय बल का मापन करता है, क्रॉस रिवर टेस्ट जो 1954 में बनाया गया। तो इसका हो जाएगा आपका बी का 5। एंड फुटबॉल कौशल परीक्षा कौन है दोस्तों? तो मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट, सॉकर को फुटबॉल भी बोला जाता है, यहाँ पे आपका सी का 1 हो जाएगा। एंड जॉनसन कौशल परीक्षा जो है वो बास्केटबॉल से रिलेटेड है, तो ये डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार ख आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति भार के लक्षणों ओवरलोडिंग सिम्टम्स के सही अनुक्रम का चयन करिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ग, राइट आंसर होगा ग, यानी कि मानसिक, शारीरिक, निष्पादन और नैदानिक, ये ओवरलोडिंग के कारण ये सभी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। मानसिक विकृति भी हो जाती है, शारीरिक रूप से भी थक जाते हैं, निष्पादन भी अच्छा नहीं होता है, फिर उसका नैदानिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ओलंपिक खेलों के काल क्रमानुसार के सही क्रम का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही क्रम का आपको चयन करना है लगातारता में, तो उसके बाद ओ, उसके बाद ओ। तो देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा को, यानी कि मैक्सिको ओलंपिक मैक्सिको सिटी में हुआ था 1968 में, फिर आपका म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी 1972 में, फिर आपका मॉन्ट्रियल कनाडा जो है 1976 में, फिर मॉस्को रूस 1980 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के कार्यों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो दोस्तों पाचन तंत्र के 5 प्रक्रिया होती हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एंड बहिष्करण। तो देखते हैं इसमें यहाँ पे कौन सही हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था दोस्तों आपके एमपी टेट में, आप ध्यान दिए होंगे। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, ठीक है, यहाँ पे एसिमिलेशन नहीं दिया है, स्वांगीकरण, तो ये आपका यही आपका राइट हो जाएगा, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण होता है जो नहीं दिया है, उसके बाद मलोत्सर्जन होता है, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया कॉग्निटिव प्रोसेस के सही अनुक्रम का चयन करें। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, कॉग्निटिव प्रोसेस में संज्ञान यानी कि ज्ञान यानी सोचना ही इसका मेन चीज होता है। सबसे पहले सेंसेशन यानी अनुभूति होता है, फिर उसका अवबोधन होता है, प्रिसेप्शन, फिर सोचना, फिर स्मरण करना, ये आपका है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी कूद करने की सही अनुक्रम का चयन करें। तो लंबी कूद में सबसे लास्ट में होता है लैंडिंग और शुरुआत में होता है अप्रोच लेना यानी कि रन करना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क, यानी कि सबसे पहले अप्रोच रन लेंगे, फिर टेक ऑफ लेंगे, उसके बाद हवा में उड़ान करेंगे, फ्लाइट करेंगे, फिर लैंडिंग एरिया में लैंड कर जाएंगे। नेक्स्ट है, अभिकथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस पे। अभिकथन ये है दोस्तों कि खेलों का सांस्कृतिक मूल्य होता है, जैसा कि क्वेश्चन भी आता है, खेल क्या है? एक सांस्कृतिक धरोहर है। क्या है? सांस्कृतिक धरोहर है। एंड आर है, प्रभु जीएस के सम्मान में ग्रीस में ओलंपिया में प्राचीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों ए तो आपका राइट है कि खेलों का सांस्कृतिक मूल्य होता है, बट जो उसके संबंध में आर जो बात वो तो सही है, लेकिन ए के संबंध में वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, बट आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार राइट हो जाएगा ख। नेक्स्ट है, अभिकथन ए क्या है कि आंतरिक श्वसन कोशिका स्तर O2 और CO2 का विनिमय यानी एक्सचेंज होता है, तो राइट है। एंड आर है आपका अनऑक्सीकृत रक्त महाधमनी एरोटा के जरिए। तो सबसे पहले जानिए कि महाधमनी में कभी अनऑक्सीकृत रक्त होता ही नहीं है, ऑक्सीकृत रक्त होता है। तो अनऑक्सीकृत रक्त
महाधमनी इरोटा के जरिए बाएं नीलय, ये ध्यान में रखिएगा कि हृदय के दाएं तरफ दाएं अलिंद दाएं नीलय में अशुद्ध रक्त बहता है अनाक्षिकृत रक्त, एंड बाएं अलिंद बाएं नीलय में शुद्ध रक्त बहता है आक्षिकृत रक्त। तो यहाँ पे पूरा का पूरा गलत लग रहा है। बाएं नीलय से निकलकर महाशिरा के जरिए दाएं नीलय के उसे वापस आता है जहाँ संचरण फुफ्फुसीय संचरण कहलाता है। तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो आप अच्छे से समझेंगे तो आंसर इसका दे लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि तल अपने अक्ष पर घूमता है। नो, तल अपने अक्ष पर नहीं घूमता है, अक्ष के चारों तरफ जो गति होती है उसको तल कहते हैं। तो तल अपने अक्ष पर नहीं घूमता है इसलिए ये असत्य है। आर क्या है? अक्ष के बिना कोई तल नहीं होता। सही बात है, अक्ष के चारों ओर गति होती है तो अक्ष के बिना कोई तल नहीं होता है, बट ये आपका गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा घ, ए सत्य असत्य है बट आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए है कि अधिगम सीखने की चेष्टा व भूल पद्धति यानी ट्रायल एंड एरर मेथड अधिगम यानी लर्निंग के अवधि विस्तार को कम करती है। तो राइट है दोस्तों, ट्रायल एंड एरर, गलती करो और सीखो, तो इससे जल्दी सीख लेते हैं, समय भी बचता है, ठीक है। एंड आर है कि थांडाइक ने अधिगम यानी लर्निंग के सिद्धांत नियमों का स्थापना की। तो राइट है, यहाँ पे दोनों राइट है दोस्तों। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि श्रेष्ठ अध्यापक हमेशा अध्येताओं यानी कि लर्नर्स की जरूरत को पूरा करता है। ये राइट है, जो श्रेष्ठ अध्यापक रहेगा हमेशा जो सीखने वाला है लर्नर्स है उसकी जरूरत को पूरा करता है। एंड आर है प्रशिक्षण शिक्षा से भिन्न है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ख, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है परंतु प्रशिक्षण शिक्षा से भिन्न है। यहाँ पे ए कहा गया है कि श्रेष्ठ अध्यापक हमेशा जो लर्नर्स होता है उसकी जरूरत को पूरा करता है, आर में बताना चाहिए कैसे पूरा करता है बट यहाँ पे नहीं बताया है, प्रशिक्षण शिक्षा से भिन्न है ये बात कहा है। तो सत्य ये भी है बट ए की सही व्याख्या ये नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है कि परिधि प्रशिक्षण यानी सर्किट ट्रेनिंग सामान्य शारीरिक तथा चालक यानी मोटर स्वास्थ्य को सुधारता है। जैसा कि जानते हैं सर्किट ट्रेनिंग शक्ति सहनशीलता यानी कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को मेजर करता है, यानी कि शारीरिक तथा मोटर स्वास्थ्य को सुधार करता है, राइट है। एंड आर है कि अंतराल प्रशिक्षण इंटरवल ट्रेनिंग विधि द्वारा गति में सुधार होता है। जैसा कि ये गलत लग रहा है दोस्तों, उसके संबंध में कोई भी बात चर्चा नहीं किया गया है इसमें ए के संबंध में। तो यहाँ पे ए मतलब सही भी नहीं है। तो आपका है सही, आपका हो जाएगा ए सत्य है बट आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है कि परीक्षण जब युक्ति युक्त यानी वैलिड होता है जब वह उसका माप करता है जिसका माप प्रस्तावित किया जाता है। एकदम राइट है, परीक्षण तभी वैलिड होता है जब वह उसी को मापे जिसके लिए वो बनाया गया है, ठीक है। आर है तराजू अथवा तोल मशीन वस्तु के वजन का माप करती है। तो एकदम राइट है, तराजू तोल मशीन क्या करता है? वस्तु के वजन का माप करती है, यानी कि उसी को माप करती है जिसके लिए वो बनाया गया है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपका ए का राइट हो जाएगा, ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक यानी लीवर की यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी संतुलन गति और शक्ति के रूप में प्राप्त की जा सकती है। तो ये राइट है, ये राइट है। एंड आर है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक यानी लीवर में बल भुजा एंड भार भुजा को फलक्रम की स्थिति से इधर उधर करके बदला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे आपका क राइट होगा, दोनों आपका राइट है कि ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए है कि लक्ष्य प्राप्ति में अवरोध नैराश्य फ्रस्ट्रेशन, लक्ष्य प्राप्ति के अवरोध नैराश्य यानी फ्रस्ट्रेशन की ओर अग्रसर करता है। लक्ष्य प्राप्ति में जो भी अवरोध होगा तो वो फ्रस्ट्रेशन यानी कि चिंता का ही कारण होगा, अग्रसर करता है। ये आपका राइट है। एंड आर है कि अवास्तविक लक्ष्य और अनरियलिस्टिक गोल तय करना विवेकपूर्ण है। तो दोस्तों कौन, एक तो एकदम गलत है, वास्तविक लक्ष्य विवेकपूर्ण हो सकता है, अवास्तविक लक्ष्य विवेकपूर्ण नहीं हो सकता। तो ए आपका तो सही है बट आर गलत है। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, राइट है ग, ए सत्य है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है कि भारत ने मास्को ओलंपिक में हॉकी में रजत पदक जीता, जबकि भारत ने मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो ए ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, आर है प्रमुख हॉकी खेलने वाले देशों में से अधिकांश ने खेलों का बहिष्कार किया था उस समय। ठीक है, तो आपका आर सही है, ए गलत है। ठीक है, तो ए असत्य है, आर सही है, आपका घर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे द्वारा लाए गए डेली बेसिस पे, जो भी प्रैक्टिस करा रही हूँ डेली बेसिस पे, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो आप अवश्य अनुभवी हो जाएंगे क्वेश्चन का आंसर देने में, आपसे गलतियां बहुत कम होगी। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। एंड दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, जो भी डाउट होंगे उन्हें भी कमेंट में बताइए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।